कुक फूड सर्व लव विद भारत गैस में सबसे पहले मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये त्यौहार का मौका है और ये साल थोड़ा अलग रहा है, इसलिए इस बार घर में कुछ अच्छे पकवान बनाने चाहिए। और इस बार मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आया हूं जो है तो वेज लेकिन बिल्कुल नॉन वेज जैसी फील है उसकी, और बढ़िया कबाब है, बहुत टेस्टी कबाब है। जी हाँ, सब्ज शामी कबाब। तो इस फेस्टिवल कुछ अलग बनाइए, सब्ज शामी कबाब बनाइए। सब्ज शामी कबाब बनाने के लिए जो सब्जियां चाहिए वो हैं गोभी, गाजर, फ्रेंच बीन्स, आप चाहें तो इसमें मटर भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, प्याज और चने की दाल। शामी कबाब बिना चने की दाल कैसे बनेगा। और मसालों में, खड़े मसाले में जाएगी काली मिर्च, ज़ीरा, बेलीफ, हरी मिर्च, लाल मिर्च, यहाँ पर थोड़ा सा सिनेमन, क्लोव्स, हरी इलायची, बड़ी इलायची, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। अब इन सब चीज़ों के साथ बढ़िया से सब्जियों को भूना जाएगा वन बाय वन, और फिर उसके बाद जब सारी सब्जियां अच्छे से पक जाएंगी, दाल पक जाएगी और पानी सूख जाएगा, तब उसे पीसा जाएगा। सबसे पहले भारत गैस ऑन करेंगे और एक पैन में बढ़िया से इन सब्जियों को भूना जाएगा। एक पैन में तेल या फिर घी, जिसमें भी आप बनाना चाहें, उसमें इस कबाब की शुरुआत की जाएगी। थोड़ा तेल ज़्यादा ले रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें मसालों के साथ साथ दाल भी भुनेगी और सब्जियाँ भी। मसाले में सबसे पहले दालचीनी, तेज़पत्ता, काली मिर्च, ज़ीरा, हरी मिर्च, लाल मिर्च, ये थोड़ी सी लवंग, बड़ी इलायची और छोटी इलायची, इन मसालों को अच्छे से बघार लेंगे। और जब ये मसाले भुनने लगेंगे तब इसमें ये भीगी हुई चने की दाल सबसे पहले जाएगी। जैसे ही मसाले भुन जाएं वैसे ही इसमें चने की दाल, जिसे हमने करीबन 2 घंटे भिगोया है, उसे डाल देंगे और उसे हल्का सा भून लेंगे। जैसे ही चने की दाल भुननी शुरू होगी वैसे ही इसमें रफ कट सब्जियां डाल दी जाएंगी, गोभी, गाजर, बीन्स, मटर, आलू, आप जो भी सीजनल वेजिटेबल है वो डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ी हार्ड वेजिटेबल्स डालना ज़रूरी है। चाहे तो जिमीकंद या सूरन वो भी डाल सकते हैं। साथ में डलेगा कच्चा प्याज और साथ में डलेंगे सूखे मसाले। सबसे पहले नमक, देगी मिर्च पाउडर, अगर देगी मिर्च नहीं है तो नॉर्मल लाल मिर्च भी चलेगा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और इन मसालों के साथ दाल और सब्जी को भूनना शुरू। अब भूनना क्या है, ये तो उबलना ही है इसमें। अब उबलने के लिए चाहिए थोड़ा सा पानी का मीडियम, और पानी के नाम पे हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट जो कि हमने पानी के साथ मिक्स कर दिए। अब एक राज की बात बताता हूं, अगर आप वेज सीख कबाब का मिक्सचर बना रहे हैं ना,
तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही बनता है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि उसमें चना दाल नहीं जाएगी, उसमें चॉप्ड वेजिटेबल्स, ये सेम मसाले, इनको अच्छी तरह से भून लिया जाएगा, फिर खड़े मसाले निकाल लिए जाएंगे और फिर उसमें बॉयल्ड आलू मिला के बढ़िया से सीख कबाब बना दो। अब थोड़ा सा पानी और डाल के इसे कम से कम 15 मिनट तक हमें अच्छी तरह से पकाना है, जब तक सब्जियां जो हैं एकदम गल ना जाएं। और ये पानी जो है मैंने सिर्फ इतना डाला है ताकि सब्जियां पक जाएं। बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो उसको सुखाने तक सब्जियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा गल जाएंगी, बहुत ज़्यादा पक जाएंगी। हमें सब्जियों को जस्ट पकाना है, दाल पक जाए, सब्जी पक जाए, मसाले पक जाए तो शामी कबाब भी पक ही जाएगा। चलिए अब इसे ढक के पकाएंगे, लेकिन ढकने से पहले थोड़ा सा धनिया का दान, धनिया ऐसे ही, क्योंकि सब कुछ तो पिसने वाला है, तो हाथ से ऐसे ही धनिया तोड़ के डाल दिया जाए। अब हल्की आंच पे इसे 15 से 20 मिनट तक पका लिया जाए, बिल्कुल दाल पक जानी चाहिए, पानी सूख जाना चाहिए। पंद्रह मिनट हो चुके हैं और अब ये सब्जी जो है बढ़िया से पक भी गई है, दाल भी गली हुई दिख रही है। जय बात। अब इसमें जो हल्का सा मॉइस्चर बचा है उसे तेज़ आंच पे सुखा लेंगे और फिर इसे ठंडा करेंगे। अब ठंडा करने के बाद ये जो मसाले हैं ना, इनका काम हो गया है, इन्हें निकाल के बाहर फेंकना है और फिर इस मिक्सचर को बढ़िया से पीसना है। मिक्सचर अच्छे से भुन चुका है, दाल पक चुकी है। अब ये जो खड़े मसाले हैं इन्हें निकाल लिया जाए, क्योंकि इनका काम हो चुका है। अगर इन्हें साथ में हम पीसेंगे तो ये बिन बुलाए मेहमान की तरह थोड़ा अजीब फ्लेवर देंगे, मतलब इनका काम हो गया, अब ये जा सकते हैं। बहुत हार्श फ्लेवर नहीं चाहिए हमें, सटल फ्लेवर चाहिए, इसलिए सारे मसालों को अच्छे से चुन लिया जाए और फिर इसे करा जाए अच्छे से ठंडा, फिर इसे मिक्सी में पीसेंगे। मिक्सचर एकदम ठंडा हो चुका है, अब एक ग्राइंडर में डाल के इसे पीस लिया जाए। मेक श्योर कि लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, ये सारे मसाले आपने निकाल लिए हैं, क्योंकि ये काफ़ी हार्श फ्लेवर देते हैं। हरी मिर्च, लाल मिर्च, काली मिर्च चलेगी। अब उसी पैन में 2 चम्मच घी डाल के ये मिक्सचर की होगी भुनाई, क्योंकि सब्जियां पक गई हैं, दाल पक गई है, लेकिन जो शामी कबाब वाला टेक्सचर और फ्लेवर है वो अभी आना बाकी है। ये गया पेस्ट सीधा मिक्सी से पैन में। चने की दाल किसी भी चीज में अगर जाती है तो एक बाइंडिंग एजेंट का काम करती है और सब्जियां जो हैं वो पानी छोड़ती हैं, तो इन दोनों का जब मेल होता है तो जो मिक्सचर है वो कहीं ना कहीं ढीला पड़ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि इसे अच्छी तरह से हम पका लें, ताकि जब इसकी टिक्की बनाई जाए तो जो टेक्सचर है कबाब का, यानी कि सॉफ्ट, बिल्कुल मखमली मुलायम, वो तो हमें मिले, लेकिन बाइंडिंग के लिए हम इसमें और कुछ नहीं डालेंगे। चने की दाल जो है वही इसे बाइंडिंग देगी और ये जो हमें पकाया जा रहा है ये इसे और थोड़ा सा थिक कर देगा। अबाई जी, हो रही है कबाब के मसाले की भुनाई। अब लखनऊ में जाएंगे ना तो यही बात, यही टोन मिलेगी। अरे लखनऊ में कबाब जो है भुना जाता है बढ़िया से। अच्छा, शामी कबाब अगर आप मटन का बना रहे हैं तो उसे भूनेंगे नहीं, ये सब्जी का है, इसमें पानी ज़्यादा है, इसलिए भून के इसका पानी सुखाया जा रहा है बढ़िया से और फिर इसकी बनाएंगे बढ़िया शामी कबाब वाली टिक्की। नमक, गरम मसाला अभी डालना बाकी है। ये कबाब का मसाला आपको बता देगा कि भैया मैं भून गया। अब देखिए ये ड्राई होना शुरू हो गया है, साइडों में से थोड़ा सा घी निकलना शुरू हो गया है और यहाँ पे
क्रिस्प ब्राउन भी होना शुरू हो गया है। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के बता रही हैं कि कबाब का मसाला अब तैयार है। इसे ठंडा कर लिया जाए, फिर इसकी टिक्की बनाई जाए और फिर करेंगे इसे शैलो फ्राई। अगर आपको इसे डीप फ्राई करना है तो इसमें ब्रेड क्रम या फिर रोस्टेड चना पाउडर डालना पड़ेगा। अब ये जो मिक्सचर है ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसे एक बढ़िया से प्लेट में निकाल लिया जाए। इसमें थोड़ा सा नमक डालना बाकी है, हल्का सा गरम मसाला मिलाना बाकी है और टिक्की बना के फ्राई करना बाकी है। बाकी तैयार। वैसे तो गरम मसाले का फ्लेवर इसमें ऑलरेडी है, लेकिन शामी कबाब में थोड़ा सा गरम मसाले का फ्लेवर उठा हुआ आता है, इसीलिए इसके अंदर थोड़ा सा ये गरम मसाले का पाउडर डाला जाए और साथ में डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक थोड़ा कम है। अब इसे अच्छी तरह से मसल लिया जाए, मिक्स कर लिया जाए। और अब ये मिक्सचर टिक्की बनाने के लिए बिल्कुल तैयार। अब आगे जी बारी फाइनल फिनिश की। थोड़ा सा घी, क्योंकि भैया अगर आप शैलो फ्राई कर रहे हैं तो घी में ही करिए, बढ़िया स्वाद आएगा। और इस शामी कबाब की बढ़िया सी टिक्कियां बना के इसमें आप शैलो फ्राई कर लीजिए। टिक्कियां हल्की आंच में घी में बढ़िया सी खस्ता हो जानी चाहिए। और इसे आप पराठे के साथ खाएं, पूड़ी के साथ खाएं या ऐसे ही खा लें चटनी के साथ, बढ़िया तो ये बहुत है। हल्के हाथ से इन्हें पलट दिया जाए, दोनों तरफ से बढ़िया से ये क्रिस्प होनी चाहिए। ये कलर देख रहे हैं आप, इन पे थोड़ा कलर कम आया, कोई बात नहीं, इनको भी थोड़ा और पका देंगे और ये परोसने के लिए बिल्कुल तैयार होने वाली हैं। बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं हर तरफ से और ये टेक्सचर हमें चाहिए था। अब ये परोसने के लिए बिल्कुल तैयार। टाइम टू प्लेट द शामी कबाब। मेरे पास एक बढ़िया अनियन का सैलेड मैंने तैयार किया है और उसके ऊपर इन्हें लगाया जाए और अपनी फेस्टिविटीज़ पे चार चांद लगाए जाए। अब इसके साथ बढ़िया सी मिंट चटनी हो जाए, रुमाली रोटी हो जाए, पराठे हो जाएं, वट एवर यू वॉन्ट मेक, दिस इज़ आउटस्टैंडिंग वेज कबाब्स। लीजिए, तैयार हो गए बढ़िया से सब्ज़ शामी कबाब। अब ये इतने लजीज हैं, बिल्कुल मुंह में गल जाएंगे। जहां पर स्वाद की बात हो नंबर वन, पौष्टिकता की बात हो बहुत अच्छे, और अगर त्यौहार पे ऐसी चीज़ें मिल जाएं तो भैया पूरी फैमिली खुश हो जाएगी। अरे तो इंतज़ार क्या कर रहे हैं, जाइए बनाइए। अच्छा, भारत गैस का जो यूट्यूब चैनल है ना, उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी बढ़िया रेसिपीज़ पूरे साल चलती रहेंगी।